सब मैं रियल बोल रही हूँ। मतलब पहले मेरा ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में थी तो सब मेड इजी करते थे, तो मेरा भी था कि ठीक है मैं मेड इजी कर लूँगी, पर घर पे सब बोले कि तुम अभी घर आ जाओ, घर से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और घर पे सबका ये था कि तुम सेल्फ स्टडी कर लो ऐसे करके। फिर भैया है मेरे, वो आए, उनने देखा तो वो बोले कि देखो घर में माहौल नहीं है, अकेले क्या पढ़ोगी, तुम 4 घंटे भी पढ़ोगी तुमको लगेगा तुम बहुत पढ़ रही हो, तो तुम एक काम करो कोचिंग लगाओ। तो सर बहुत लेट हो चुका था मेड इजी के लिए भी, और मेरा गेट कोई प्रेफरेंस नहीं था, मेरा था मेन SSC JEE। तो मुझे इस कोचिंग के बारे में पता चला, और मेरी सीनियर मैम है अदिति मिश्रा, जो सब इंजीनियर जिनकी फ़ोटो भी लगी है नीचे पे, तो वो मेरी सीनियर है, तो मैंने उनसे बात की तो वो बोली कि नो डाउट तुम जाके ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि सो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो ए सी की लगती है कि अगर मुझे हर्षित सर से बात करना है, जो ऑनर है, विजय सर ऑनर है, उनसे अगर बात करना है, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि उनके पास टाइम नहीं है, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। लाइक मेड इजी के अगर स्टूडेंट है तो उनके पास तो नंबर ही नहीं होगा अपने टीचर का, वो कंसल्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो सर लोग अवेलेबल रहते हैं हमेशा। अगर कोई डाउट भी आ रहा, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इन्वायरमेंटल में एक छोटा सा डाउट आया था, तो मैंने सर को मैसेज किया, मेरा सब इंजीनियर का पेपर था, तो विजय सर ने खुद मुझसे बोला कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम कॉल कर लो मुझे, मैसेज में टाइम जाएगा तुम्हारा टाइप करने में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि काफ़ी अच्छे हैं सर लोग, बहुत सपोर्टिव है। इंटरव्यू के साथ।